हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में सही इतिहास को स्थान ही नहीं दिया गया है। हमारे भारत में ऐसे महान क्रांतिकारी वीर हुए कि आपको भी अपने पूर्वजों पर गर्व होने लगेगा। बिरसा मुंडा की जयंती है आज, उनकी जयंती पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुगना मुंडा और कर्मी हाथों के पुत्र बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश के रांची के उली हाथू गांव में हुआ। वे बिरसा भगवान के नाम से भी लोकप्रिय है। बिरसा का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ था, इसलिए मुंडा जनजातियों की परंपरा के अनुसार उनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया। उनके पिता एक खेतिहर मजदूर थे, वे बांस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते और अपने परिवार के साथ रहते थे। बिरसा बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे। बिरसा का परिवार अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। गरीबी के कारण ही बिरसा को उनके मामा के पास भेज दिया गया, जहां भी एक विद्यालय में जाने लगे। विद्यालय के संचालक बिरसा की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बिरसा को जर्मन मिशन पाठशाला में पढ़ने की सलाह दी। वहां पढ़ने के लिए ईसाई धर्म स्वीकार करना अनिवार्य था, अतः बिरसा और उनके सभी परिवार वालों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। हिंदुत्व की प्रेरणा की हम बात करते हैं। सन 1886 से 1890 तक का समय बिरसा ने जर्मन मिशन में बिताया। उसके बाद उन्होंने जर्मन मिशनरी की सदस्यता त्याग ली और ईसाई धर्म छोड़ दिया। फिर वे भगवान विष्णु के भक्त आनंद पांडे के संपर्क में आए। 1894 में मानसून के छोटा नागपुर में असफल होने के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की। बिरसा ने आनंद पांडे जी से हिंदू धर्म की शिक्षा ग्रहण की। आनंद पांडे जी के सत्संग से उनकी रुचि भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति के रहस्यों को जानने की ओर हो गई। धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ उन्होंने रामायण, महाभारत, हितोपदेश, भगवद गीता आदि धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन किया। इसके बाद वे सत्य की खोज के लिए एकांत स्थान पर कठोर साधना करने लगे और लगभग 4 वर्ष के एकांतवास के बाद जब बिरसा प्रकट हुए तब वे हिंदू महात्मा की तरह पीला वस्त्र, लकड़ी की खड़ाऊं और यज्ञोपवीत धारण करने लगे थे। ईसाई मिशनरियों का उन्होंने विरोध किया। बिरसा ने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रचार करना शुरू कर दिया और ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले वनवासी इन बंधुओं को उन्होंने समझाया, ईसाई धर्म हमारा अपना धर्म नहीं है, यह अंग्रेजों का धर्म है। वे हमारे देश पर शासन करते हैं, इसलिए ईसाई हमारे हिंदू धर्म का विरोध और ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ईसाई धर्म अपनाने से हम अपने पूर्वजों की श्रेष्ठ परंपरा से विमुख होते जा रहे हैं, अब हमें जागना चाहिए। उनके विचारों से प्रभावित होकर बहुत से वनवासी उनके पास आने लगे और उनके शिष्य भी बन गए। वन अधिकारी वनवासियों के साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे उनके सभी अधिकार समाप्त कर दिए गए। वनवासियों ने इसका विरोध किया और अदालत में एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने अपने पुराने पैतृक अधिकारों को बहाल करने की मांग की। इस याचिका पर सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। बिरसा मुंडा ने वनवासी किसानों को साथ लेकर स्थानीय अधिकारियों के अत्याचारों के विरुद्ध याचिका दायर की। इस याचिका का भी कोई परिणाम नहीं निकला और वनवासियों का जो संगठन था बिरसा के विचारों का वनवासी बंधुओं पर गहरा प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बनते गए। बिरसा उन्हें प्रवचन सुनाते और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देते। इस प्रकार उन्होंने वनवासियों का संगठन बना दिया। बिरसा के बढ़ते प्रभाव और लोकप्रियता को देखकर अंग्रेज मिशनरी चिंतित होगी और उन्हें डर था कि बिरसा द्वारा बनाया गया वनवासियों का संगठन आगे चलकर ईसाई मिशनरियों और अंग्रेजी शासन के लिए संकट न बन जाए। अतः बिरसा को गिरफ्तार किया गया। अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जा चुका था। बिरसा की चमत्कारी शक्ति और उनकी सेवा भावना के कारण वनवासी उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे थे। अतः उनकी गिरफ्तारी से सारे वनांचल में असंतोष फैल गया। वनवासियों ने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर पुलिस थाने का घेराव किया और उनको निर्दोष बताते हुए उन्हें छोड़ने की मांग की। अंग्रेजी सरकार ने वनवासी मुंडाओं पर भी राजद्रोह का आरोप लगाकर उन पर मुकदमा चला दिया। बिरसा को 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और फिर हजारीबाग की जेल में उन्हें भेज दिया गया। बिरसा का अपराध यह था कि उन्होंने वनवासियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने हेतु संगठित किया था। जेल जाने के बाद बिरसा के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा
और भी बढ़ गई। उन्होंने अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। दो वर्ष की सजा पूरी करने के बाद बिरसा को जेल से मुक्त कर दिया गया और उनकी मुक्ति का समाचार पाकर हजारों की संख्या में वनवासी उनके पास आए। बिरसा ने उनके साथ गुप्त सभाएं की और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए उन्हें संगठित किया। अपने साथियों को उन्होंने शस्त्र संग्रह करने, तीर कमान बनाने, उल्हाड़े की धार तेज करने जैसे कार्यों में लगाकर उन्हें सशस्त्र क्रांति की तैयारी करने का निर्देश दिया। सन 1899 में इस क्रांति का श्री गणेश किया गया। बिरसा के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने रांची से लेकर चाईवासा तक की पुलिस चौकी दारों को घेर लिया और ईसाई मिशनियों तथा अंग्रेज अधिकारियों पर तीरों के बौछार शुरू कर दी। रांची में कई दिनों तक कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी रही। घबराकर अंग्रेजों ने हजारीबाग और कलकत्ता से सेना बुलवा ली। राष्ट्र हेतु अपना सब कुछ अर्पण उन्होंने कर दिया। बिरसा के नेतृत्व में वनवासियों ने अंग्रेज सेना से युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेजों के पास बंदूक, बम, आधुनिक हथियार थे, जबकि वनवासी क्रांतिकारियों के पास उनके साधारण हथियार, तीर कमान आदि ही थे। बिरसा उनके अनुयायियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया और अंत में बिरसा के लगभग 400 अनुयायी मारे गए। इस घटना से कुछ दिन बाद अंग्रेजों ने मौका पाकर बिरसा को जंगल से गिरफ्तार कर दिया। उन्हें जंजीरों में जकड़कर रांची जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें कठोर यातनाएं दी गई। बिरसा हंसते हंसते सब कुछ सहते रहे और अंत में 9 जून 1900 को कारावास में उनका देहावसान हो गया। इस तरह बिरसा मुंडा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देकर भारतीयों, विशेषकर वनवासियों में हिंदू धर्म के प्रति भक्ति, स्वदेश के प्रति प्रेम की भावना जागृत की। बिरसा मुंडा की गणना महान देशभक्तों में की जाती है। उन्होंने वनवासियों को संगठित कर उन्हें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए धर्मांतरण करने वाले ईसाई मिशनरियों का विरोध किया। ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले हिंदुओं को उन्होंने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी दी और अंग्रेजों के षड्यंत्र के प्रति सचेत भी किया। आज भी झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के वनवासी लोग बिरसा को भगवान के रूप में पूजते हैं। अपने 25 वर्ष के अल्प जीवन काल में ही उन्होंने वनवासियों में स्वदेशी तथा भारतीय संस्कृति के प्रति जो प्रेरणा जगाई वो अतुलनीय है। धर्मांतरण, शोषण और अन्याय के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का संचालन करने वाले महान सेनानायक थे बिरसा मुंडा जी। आज भी भारत में बेटकन सिटी के इशारे पर भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा पुरजोर से धर्मांतरण किया जा रहा है, लेकिन जनता को बिरसा मुंडा के पथ पर चलना चाहिए। हिंदू संस्कृति को तोड़ने के लिए ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्मांतरण रूपी जो जाल बिछाया है, इसमें भोले वाले हिंदू फंस जाते हैं और कोई हिंदुनिष्ठ संत इनका विरोध करते हैं तो उनकी हत्या करवा दी जाती है या मीडिया द्वारा बदनाम करवाकर झूठे केस बनाकर जेल में भिजवाया जाता है। हिंदुस्तानियों को इन षड्यंत्रों को समझने और बिरसा मुंडा के पथ पर चलने की बहुत आवश्यकता है। भगवान बिरसा मुंडा की जब हम कहानी बता रहे थे तो आपको ये भी पता है कि भगवान बिरसा मुंडा इस आजादी में अपना कितना उचित और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एटीवी मीडिया ग्रुप की भी और हमारी टीम की तरफ से भारत सरकार से और राज्य सरकारों से भी अपील है कि वो अपने यहाँ केंद्रीय और राज्य की छुट्टियां घोषित करें, क्योंकि इस दिन हमारे बच्चे, हमारे लोग समझें कि आखिर बिरसा मुंडा आजादी में अपना क्या स्थान रखते थे। बहुत ही महान नायक थे और बड़े नायक थे और उन्होंने जो काम किया उसके लिए देश को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और उनका आभार प्रकट करना चाहिए। उनकी मूर्तियां मुझे लगता है कि हर राज्य में होनी चाहिए, जिससे लोग सीख सकें और समझ सकें कि वो हमारे आजादी के बहुत बड़े नायक थे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल।